नमस्कार, मैं शैलेंद्र ठाकुर। आज हम इस वक्त रात्रि के करीब 1:15 को हैं और हम दंतेवाड़ा जिले के समलूर गांव में मौजूद हैं। यहां पे मौजूद रहने की एक विशेष वजह ये है कि यहां लक्ष्मी जागर का आयोजन किया गया है, जो यहां का पारंपरिक आयोजन है, जो माता लक्ष्मी के जीवन चरित्र पर आधारित है। कथा वाचिक परंपरा है, उसके बारे में हम आपको परिचय कराएंगे। इस मकसद से हम यहाँ पे आए हैं। और तो सबसे पहले हम आपको यहाँ बातचीत करवाते हैं। इस आयोजन के जो सूत्रधार हैं यहाँ के पुजारी जी, गार है, उनसे इसका बात। आयोजन के पीछे क्या कारण? माता लक्ष्मी का कहानी है, 15 दिन चलता है, 15 दिन में लास्ट होता है। ये पहले दिन गुरुवार को शुरू करते शुरू करते हैं, हैं। गुरुवार को शुरू करते हैं, उसके बाद फिर पहली भरते हैं अच्छा, और पहली में क्या धान धान भरते हैं? भरते हैं आधा, और फिर 7 दिन फिर चलता है अच्छा, दूसरा तीसरा हफ्ता। तो माता लक्ष्मी की कथा को कृपा से सुनाते वो फुल रहता है पहले। जगार गीत का महत्वपूर्ण साधन है वाद्य यंत्र है, जो मटके के ऊपर बांस के सूप पर धनुष के आकार के वाद्य से बजाया जाता है, और इसे गुरुमाएं गाती हैं। और हम आपको इससे इस विधा से भी परिचित कराते हैं। ये जो आस्था का केंद्र है, जो साल में एक बार आयोजित होता है लक्ष्मी जागर, आइए हम आपको उससे परिचित कराते हैं। बामना देवता उठो तो ये बे मैं बे और ये बे धराला बोलो है दूसरों के ये बे धराला मले ये बे बोलो यारी बोल यही मना ये बे बोलो सुना बाबा तुम्हें बामना देवता सुना बाबा बामन देवता तुम्ही कने दान टीका बोल कने दान टीका बेटी के दे बोल कनी बोले ये बे करे दे कनी बेटी चकनिया दान कर बेटी चकनिया दान कर मैं बोले ये बेकरा बोला तो ये थी जगार की विधा, जिसमें जो गुरुमाएं होती है, जो बहुत ज़्यादा शिक्षित तो नहीं होती, लेकिन उन्हें जो पूरी कथा ये कंठस्थ याद होती है। और ये सिर्फ लक्ष्मी जगार ही नहीं, बल्कि इसके और भी कई स्वरूप हैं। तीजा जगार जो हरितालिका पर रखा जाता है, एक अष्टमी जगार होता है जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में, वो भी करीब 15 दिन चलता है। और आठे जगार और बाली जगार, ऐसे अलग अलग स्वरूप हैं। तो आज हमें समलूर में जो लक्ष्मी जगार कार्यक्रम में शामिल होने का, रिकॉर्ड करने का अवसर मिला, और इसी कार्यक्रम में पुजारी परिवार से हमारे साथ मौजूद हैं श्री लोकेंद्र नाथ जिया जी, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। ये जो कार्यक्रम है, ये कितने समय से आयोजित किया जा रहा है बताएंगे? भैया ये कार्यक्रम 2 सप्ताह का चलता है, मिनिमम 14 से 15 दिन का रहता है। शुरुआत में तो 14 दिन तो 7 बजे से लेकर 12 बजे तक चलता है, लास्ट दिन पूरा रात भर चलता है। नाच गाना रहता है, देवी धामी रहता है, बाहर बाहर से भी आते हैं, जैसे छिंदनार हो गया, आलनार हो गया, फरसपाल हो गया, बालूद हो गया, इधर से सब देवी देवता का विराजमान होता है। यहाँ शाम 7 बजे इस घर से खेत जाते हैं लक्ष्मी लाने, वहाँ बस ढोल नगारा बाजा साथ लक्ष्मी लाने के बाद पूजा अर्चना करने के बाद फिर रात भर कार्यक्रम चलता है। मतलब कल विसर्जन हो जाएगा? जी कल विसर्जन होगा अच्छा। सुबह। तो हमारे साथ और एक यहाँ के निवासी हैं श्री रामराज ठाकुर जी, उनसे भी बातचीत करते हैं। तो आपको ये आयोजन कैसा लगता है? ये इस तरह का आयोजन कितने सालों से चल रहा है, और क्या भविष्य में भी ऐसे जारी रहने की संभावना है? ये आयोजन भैया परंपरा से चलते आ रहा है हमारे पूर्वजों से, और ये जो लक्ष्मी जगार की जो पारंपरिक है व्यवस्था है, ये परंपरा से चलते आ रहा है। क्योंकि इस आयोजन से पूरे देवी देवता नृत्य करते हैं, और जो
यहाँ के जो गुरुमाए होते हैं, अभी जो आप कुछ ही क्षण पहले बोल रहे थे कि वो शिक्षित तो नहीं होते, लेकिन एक उनको मतलब जो कथा है उनके मतलब सरस्वती जी उनके कंठस्थ में मतलब वास करते हैं और पूरा देवी देवता की शक्ति भी रहता है और इस चीज़ को परंपरा से मनाए जाते हैं। और इस जगर कार्यक्रम में इसलिए किया जाता है कि ये जो फर्स्ट बार इसको रखते हैं लक्ष्मी जी का जो चिन्ह पद वो करके, उसका सेकंड सप्ताह में लक्ष्मी जी का जो पहली जगर बोलते हैं, पहली मनाते हैं, उसमें धान मतलब देवी देवता के माध्यम से पहली में आधा पहली मतलब रखा जाता है और वो आज रात भर में ही अपने शक्ति से पूर्ण होता है और वो पहली सुबह होते तक भरे रहता है। ये मतलब ऐसा बहुत अच्छी बात बताई आपने, ये बड़ी आस्था और विश्वास की बात है कि आधा पहली धान आप रखते हैं और वो भरपूर भर जाता है। चलिए, ये आस्था और परंपरा हमेशा इसी तरह बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आप सभी से विदा लेते हैं।